हाँ तो बिग रॉस, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, अभी थोड़ा सा आज मामला लेट चल रहा है तुम्हारा 5 मिनट से, क्योंकि अभी 7:35 हो रहा है और देखा जाए तो लेट नहीं भी है, क्योंकि 7:20 से 7:40 के बीच में हमारी किचन टॉक्स रिकॉर्ड होती है और अभी 7:35 हो रहा है तो 5 मिनट में हो जाएगी। तो सीन ऐसा है, आज एक सवाल लेना और एक चेंजेस भी हमें कर रहे हैं डाइट में, तो वो सोचा तुम्हें बता दें। तो आज से ये सीन हो रहा है कि अब हम ड्राई फ्रूट्स थोड़े से कम कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम 50 ग्राम लेते हैं जो मिक्स ड्राई फ्रूट्स होते हैं और उसमें डिसेंट कैलोरीज होती हैं, जितना हम अंदाज़ा लगा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें करीब 50 ग्राम में 200 से ज़्यादा कैलोरीज होंगी। हाँ, अराउंड 200 के आसपास हैं, क्योंकि 100 में अगर ये 388 दिखा रहा है तो वही 200 के आसपास मान के चल लो। तो अब हम इसको 40 ग्राम ही करेंगे अभी, एटलीस्ट शुरू के ये पैकेट तो कम से कम 40 ग्राम पे जाएगा, इसके बाद वाला शायद हम और कम करें। और इसका एक रीज़न ये है कि अभी हमारा देखा जाए, ये जो हम क्रैनबेरीज लेते हैं ये मेरे ख्याल से 10 से 15 ग्राम लेते हैं एक दिन में, और इसमें शुगर काफ़ी ज़्यादा है, तो इससे काफ़ी डिसेंट कैलोरीज मिल रही हैं। और इसका शुगर इनटेक करीब एक सर्विंग में हमारी अगर 10 ग्राम के आसपास लेते हैं तो मेरे ख्याल से कितना, 3 ग्राम के आसपास इसमें शुगर है, तो काफ़ी ज़्यादा है बल्कि देखा जाए तो, इतना हम नहीं सोच रहे थे इसमें, लेकिन आज जब हमने इस पर ध्यान दिया तो काफ़ी ज़्यादा है। ये शायद हम हटा देंगे डाइट से, ये आखिरी बार होंगी जब हम ये क्रैनबेरीज ऐड कर रहे हैं, इसको भी रिप्लेस करके कुछ और ऐड करें। हमारा अंजीर ऐड करने का मन करता है, वो शायद ऐड करें, ये साल हम ले आए हैं और अब पछता रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज हमें 2-3 काम करने हैं, एक तो हमें इसको डिवाइड करना है क्योंकि कल के लिए ख़त्म हो चुका है मामला। तो देखा जाए 400 ग्राम का है, 40 अगर 40 ग्राम बांटते हैं तो करीब 10 में हो जाएगा ये, तो एकदम मेजरमेंट सही है। बाकी मुद्दे पे आते हैं, सवाल भी तुम्हारा एक लेना है, और सवाल था तुम्हारा एक जन का ही था, वो था कि रूटीन से अलग मान के चलो अगर कोई, और ये हो सकता है पॉसिबिलिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा है कि कभी ना कभी तुम इस फेज़ में आ सकते हो इस कंडीशन में, क्योंकि हम कॉलेज टाइम में इसमें थे और हो सकता है कि तुम जॉब फेज़ में इसमें हो। वो होता है तुम्हारा, अगर मान के चलो अगर तुम्हारी नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट में है तो कैसे उसमें रूटीन में मैनेज करें। ऐसा हमारा कॉलेज में होता था कि कभी एक तरीके से मॉर्निंग में है तो कभी दोपहर में क्लास है तो दोपहर तक ही रहता था, तो उसमें क्या होता था कि कभी सुबह वर्कआउट करने को जा रहे हैं कभी शाम को जा रहे हैं, तो थोड़ा सा रूटीन में चेंजेस आते थे। तो इस केस में क्या कर सकते हैं कि अगर मान के चलो अगर ये लंबे समय तक हो रहा है, अगर ये 1 साल तक होना है, 2 साल तक होना है, 3 साल तक होना है, तब तुम्हारी बॉडी उस चीज़ को खुद ही अडॉप्ट कर लेगी, मतलब फिर तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। अभी हम इसकी आवाज़ चेक कर रहे थे, तो तब तुम्हारी बॉडी उस चीज़ को अडॉप्ट करने लगेगी। मेन तुम्हें फोकस करना है किस चीज़ पे, बाय द एंड ऑफ द डे तुम्हारी सारी कैलोरीज हिट होनी चाहिए, तुम्हारे सारे मैक्रोज हिट होने चाहिए और तुम्हारा वर्कआउट अच्छा होना चाहिए, प्लस तुम्हारा क्या कहते हैं रिकवरी, जो स्लीप टाइमिंग है वो कोशिश करो कि एक अच्छा कंटिन्यूस 7 से 8 घंटे की नींद हो। अब उसके लिए तुम्हें सेक्रीफाइस क्या क्या करना पड़ेगा, जो तुम सोने से पहले फ़ोन चलाते हो उसको कम कर दो या बंद ही कर दो तो वो भी सही रहेगा, क्योंकि इसको प्रायोरिटी दो। और क्या कर सकते हो, कोशिश ये करो कि जो एक ऑप्शन कभी कभी आ जाता है ये तुम्हारे शिफ्ट के अकॉर्डिंग ही, कि तुम्हें कभी कभी होता है कि स्प्लिट कह लो या फिर अपनी नींद को 2-2, 3-3 घंटे के उसमें करना पड़ता है, तो यार वो सबसे गलत चीज़ है। प्रेफर ये करो कि एक, भले ही अगर तुम मान के चलो 3-3 घंटे की तुम 3 स्लीप ले रहे हो, मतलब 9 घंटे तुम सो रहे हो 3-3 घंटे करके, और एक जगह तुम अगर 7 घंटे अच्छे से लगातार सो रहे हो तो 7 घंटे वाले में तुम्हारी रिकवरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, ये चीज़ जान लो, ठीक है भाई। तो ये चीज़ है, बाकी आई थिंक हमारे कॉलेज टाइम में जैसे हमने तुम्हें बताया यही चीज़ होती है, फिर तुम्हारी बॉडी उस चीज़ को खुद ही अडॉप्ट करने लगेगी। तुम्हें बस अपना रूटीन एक तरीके से फिक्स कर लेना है कि अगर आज हमारा मॉर्निंग शिफ्ट है डे शिफ्ट है तो किस तरीके से हमारा दिन जाएगा, हर एक चीज़ प्लान करो। अब ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें पता नहीं होगा, फिक्स ही होता है मोस्टली टाइमिंग, अगर देखा जाए डे टाइमिंग हो, डे हो या फिर नाइट हो, तुम्हारा टाइम फिक्स होता है इतने बजे से इतने बजे तक है, तो तुम अपने आप को मेंटली उस तरीके से प्रिपेयर कर लो कि अगर हमारा ये रूटीन डे शिफ्ट है तो हम यही फॉलो करेंगे, या नाइट शिफ्ट है तो यही फॉलो करेंगे, तो इस तरीके से तुम्हारी बॉडी उस चीज़ को अडॉप्ट करेगी, तुम्हारी बॉडी उस चीज़ से यूज्ड टू होगी। लेकिन जैसा हमने तुम्हें बताया, प्रायोरिटी 3 चीज़ को दो, तुम्हारी स्लीप जो कि है 7 से 8 घंटे की उसको सबसे पहले ऊपर रखो, फिर तुम्हारी डाइट एंड ऑफ द डे तुम्हें एनी हाउ सारे मैक्रोज हिट करने,
और तीसरा वर्कआउट। अगर तुम ये तीन चीज़ें कर ले रहे हो, डिपेंड नहीं करता कि तुम कब कर रहे हो, बस ये तुम्हें 24 घंटे में ये तीनों चीज़ें करनी है और उसका टाइमिंग से मतलब नहीं है। अगर तुम ये कर ले रहे हो तो फ़र्क नहीं पड़ता कि डे शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट है, असुन शिफ्ट है या लसुन शिफ्ट है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ बहुत भयंकर वाला फंबल मारा हमने, लेकिन चलता है, कभी कभी हो जाता है। तो भाई उम्मीद है तुम्हें समझ में आ रहा होगा हम कहने का चाह रहे हैं। तो यही तुम्हें अपडेट करना था, और बस भाई यहीं तक रखते हैं किचन टॉक्स का यही वाला पार्ट। और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कॉमेंट कर सकते हो, तो उस चीज़ को हम कवर करेंगे। बाकी आज तुम वर्कआउट देखोगे पुल्ले, अब हम कह सकते हैं कि अब बॉडी अब धीरे धीरे शेप में आ रही है और बॉडी रिस्पॉन्ड काफ़ी अच्छे से कर रही है। उम्मीद है कि जब तक ये जर्नी ख़त्म होगी हम 6-pack एब्स शायद हों, पता नहीं, अभी तो हमारा खैर मटका नहीं है, लेकिन एक समय पे हमारा यहाँ इसे मटका था, वो तो नहीं है कम से कम, तो उस चीज़ से हम खुश हैं। और अब एब्स भी काफ़ी अच्छे से दिखने लगे हैं, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। तो बस भाई यहीं तक रखते हैं, पहले तुम सुबह की क्लिप देखोगे, फिर देखोगे पुल्ले। हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। और बारिश अभी हल्की सी तेज़ हो रही है, लेकिन कार्डियो नहीं छूटना चाहिए। और एक दिक्कत ये हुई थी, रात का सीन था ये, तो 12 बजे खाली हमारी आँख खुल गई थी, और खुली थी क्योंकि सारी लाइट चली गई, तो और वो भी सिर्फ 2-3 मिनट के लिए ही हुआ था ऐसा, पर चलेगा, ये भी होता है। और क्या कहते हैं, बारिश हो रही है इसकी वजह से हमारा कैमरे के आगे वो है, हाँ कैमरे का आगे पानी आ गया है, तो तुम्हें जो भी अपडेट देंगे अब सीधे जिम में देंगे जाके भाई, ठीक है। ओके भाई, तो सीन ऐसा है कि पहले तो तुम्हारा स्वागत है फिर से एक पुल्ले में। तो आज थोड़ा सा मशीन फोकस करना है, पहले तो वही अंडर हैंड लैट पुल डाउन करेंगे। अगेन जो पिछले वीक हमने तुम्हें बताया था स्कैपुलर एक्सटेंशन वाला सीन, वही चीज़ इस बार भी हमें करनी है। मसाला हम ये सोच रहे हैं कि साले समय कितनी जल्दी भाग रहा है, हमें लग रहा था कि हमने शायद तुम्हें कल ही परसों बताया था स्कैपुलर एक्सटेंशन वाला, और फिर हमें याद आता कि नहीं, पिछले हफ्ते सेकंड पुल डे में बताया था हमने, और आज सेकंड पुल डे ही है, मतलब एक हफ्ता निकल भी गया। तो समय जब सही चल रहा हो तो बड़ी जल्दी भागता है, ये सीन भी है, और हमारा तो पता नहीं मीडियम चल रहा है जो भी है। तो तुम्हें बता दें आज अगेन पुल डे है, पहला वही रहने वाला है, लैट पुल डाउन दोनों हाथों से करेंगे, क्योंकि सिंगल हैंड से वो एक तरीके से जाता नहीं है अच्छे से पूरा आगे की तरफ एक्सटेंशन में, तो वो चीज़ रहेगी। फिर उसके बाद डंबल रोज है, आज रियर डेल्ट हमें ट्रेन करना है, हाइपर एक्सटेंशन भी करना है। रियर डेल्ट का ये सीन रहेगा उसको आखिरी में करेंगे, एकदम एंड में हाइपर एक्सटेंशन के बाद, क्योंकि उसका सीन ऐसा है कि आज हमें एक रील बनानी है, तो अगर हम बीच में रखते हैं तो बाकी की एक्सरसाइज पकअप होंगी थोड़ी सी। तो और रियर डेल्ट की हमें जो रील बनानी है वो तुमने देख भी ली होगी मेरे ख्याल से, कौन से रील के 66वें दिन पे शायद तुम देखोगे, हमें पक्का यकीन नहीं है, पर तुम देख लोगे जो भी सीन है। तो ये चीज़ भी है, बाकी आर्म्स भी है आज, रियर डेल्ट है और हाइपर एक्सटेंशन। ट्रैप स्ट्रेन नहीं करेंगे आज, तो फुल ओवर भी शायद ना रखें क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो जाएंगे, तो ये चीज़ रहेगी। तो रियर डेल्ट और हाइपर एक्सटेंशन जो हमने तुम्हें पिछली बार भी बताया था कि दो मूवमेंट रखने हैं हमें, ट्रैप्स, रियर डेल्ट और पुल ओवर, इन सारी चीज़ों में बेसिकली हमें दो मेजर मूवमेंट रखने हैं। तो आज वो रख रहे हैं, एक तो हाइपर एक्सटेंशन और दूसरा तुम्हारा रियर डेल्ट, ये चीज़ रहेगी। तो वो चीज़ तुम देखोगे तो तुम्हें बाहर मिलता है। सीन हो रहा है कि हमसे ये पूछा गया था कि रैप्स को कैसे यूज़ करना है एक्चुअली में, तो ये इंडिविजुअल के ऊपर रहता है कि तुम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हो, पर ज़रूरी नहीं कि तुम्हें 2-3 रोल लेने ही पड़े। जैसे तुम इस तरीके से करते हो, एक तरफ से तुम करोगे 2-3 रोल लोगे फिर ग्रिप पकड़ोगे, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती एक्चुअल में। तुम एक रोल लेते हो वो भी एक अच्छी ग्रिप क्रिएट करता है, और कोशिश ये करो कि दोनों हाथ से अलग अलग से ही प्रैक्टिस बनाओ, क्योंकि एक से अगर तुम दूसरा हाथ यूज़ करते हो, दूसरे से तुम एक ही हाथ से ग्रिप ले रहे हो, तो ग्रिप भी तुम्हारी एक तरीके से बराबर नहीं होगी। तो शुरू से थोड़ी सी आदत बनाओ, कभी कभी हम भूल जाते हैं कि राइट साइड की ग्रिप तो काफ़ी अच्छे से 2-3 रोल ले लेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड में फिर सारा ले ही नहीं पाते अच्छे से,
तो करते जाएं, एक तरफ से पकड़ो इस तरीके से, दूसरी तरफ इसके ऊपर फेंको और अच्छे से बस पूरा खींच लो। और जैसे तुम खींचोगे, अब इसके लिए चाहते दांत का इस्तेमाल कर लो या फिर नॉर्मली भी कर सकते। तो सीन ऐसा ही आखिरी सेट है, 90 से कर रहे हैं। पिछले वाला 80 से किया था और हम ग्रिप यूज़ नहीं कर रहे हैं पूरा एकदम एकदम की। कौन सी ग्रिप कर रहे हैं? हाथों की ग्रिप यूज़ कर रहे हैं तो। लेकिन हाँ, अभी ये 90 से ट्राई करेंगे। 80 से 12 आए थे, लेकिन हमें लगता है शायद थोड़ा सा अगर हम फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ करते शायद 15 भी आ सकते थे, क्योंकि जाने के तो 120 भी जा सकते थे जो टाइम पे। लेकिन फिर क्या होगा, जो स्लो एंड कंट्रोल लेफ्ट जो हम करने की कोशिश करते हैं वो लूज़ कर देंगे और नंबर ऑफ सेट ज़्यादा रखेंगे तो एनर्जी हमारी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगी एक तरीके से शुरू के सेट्स में, क्योंकि डायरेक्ट हम 120 पे जा नहीं सकते हैं। और अगर देखा जाए, अगर हमारा गोल मसल बिल्डिंग है तो मेन फोकस हमारा ये है कि भले हम कम वेट भी नहीं करेंगे, 90 LBS एक डिसेंट वेट है, इस पर अच्छे और क्लीन रेप्स रखें, वो हमारा मेन अभी गोल है अभी के लिए। तो ये चीज तुम देखोगे। मूवमेंट जो करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से ये बहुत अर्ली होगा और दिन के मुकाबले और पुल्ले के हिसाब से। और इसका रीज़न ये है कि रियर डेल्टा में आखिरी में करना है, और अगर हम अभी हाइपर एक्सटेंशन कर लेंगे तो बाकी की एक्सरसाइज होंगी नहीं। तो ये सीन है कि अभी बाइसेप्स करें निपटा देते हैं, फिर हाइपर एक्सटेंशन करेंगे, फिर आखिरी में जो रियर डेल्टा में कुछ क्लिप रिकॉर्ड करनी है तो वो कर लेंगे। उससे पहले सारा काम निपटाना है हमें, मतलब कि फ्लेक्सिंग से लेकर सारी पोजिंग वगैरह सब कुछ। तो स्टार्ट इसमें करेंगे 45 की प्लेट से, क्योंकि इससे हल्का जब करते हैं तो बम भी या फिर एक तरीके से फेलियर रेट बहुत मुश्किल से होता है। इसलिए क्यों? तो सीन ऐसा ही है, शायद तुम आखिरी मोमेंट वीडियो में देख रहे होगे, क्योंकि इसके बाद एक मोमेंट और है। वैसे वो तो रियल डेल्ट फ्लाई जो हमने तुम्हें बताया था रिकॉर्ड करना है, लेकिन वो रील के लिए, तो वो पता नहीं इसमें आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें फिर भी हम अपडेट दे देते हैं कि वो आखिरी में रहेगा। लेकिन उससे पहले ये हाइपर एक्सटेंशन कर रहे हैं और इसमें ये दो डंबल हम लेकर आएँ, 55 और 65। 70 आज नहीं लेकर आएँ, क्योंकि 70 में आखिरी के कुछ रैप्स में हालांकि हम सपोर्ट करते हैं उस चीज़ को कि तुम्हें हैवी जाना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि जब 20 रैप करने की कोशिश करते हैं 70 से तो आखिरी में 30 एज एन की नहीं होता है। लेकिन अगर आज 65 पे हम थोड़ी सी स्ट्रेंथ बिल्ड कर लेते हैं, देन शायद 75 पे मूव करना अगले हफ्ते आसान होगा। तो ये चीज़ है, बाकी इसके 4 सेट ही करने हैं। एक रहेगा तुम्हारा बॉडी वेट, फिर स्टार्ट करेंगे 55, फिर 65 से 2 सेट रहेंगे और रेपिटेशन वही फेलियर रिप करने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है कितनी
इतने ही करने हैं, तो वो चीज़ भी है। कभी 65 से करने आ रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, लेकिन एक जो बाइसेप की वेन है, जो कहते हैं कि हमारी काफ़ी फैट परसेंटेज लो होने पे आती है, वो है एक ये वाली वेन और एक यहाँ से क्रॉस करती है, तो अभी वो तो नहीं आई है, लेकिन एक ये जो सिंगल उस लाइन में जा रही है, ये वेन अब दिखने लगी है सिर्फ पंप के टाइम, और जब बहुत ज़्यादा लीन होते हैं तो वो परमानेंट टाइप थोड़ी दिखती है, हल्का सी भी इस तरीके से फ्लेक्स करें तो वो दिख जाती है जब हम बहुत ज़्यादा लीन होते हैं, लेकिन ये इंडिकेशन दिख रहा है कि हम लीन हो रहे हैं एटलीस्ट, और 97 तो हमारा एम्प्टी स्टमक वेट है एक तरीके से, तो अभी का देखा जाए जिस समय हम अभी खड़े हैं, अभी हमारा वेट होगा 98 point something, जो कि पीक वेट कह सकते हो दिन का, उस पर अगर हमारी ये वेन दिखने लगी है तो हम तो यही कहेंगे कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए कि वेन अब दिख रही हैं, और वो समय भी आएगा कि जब पूरे हाथ पे वेन्स दिखेंगे, लेकिन अभी उसमें टाइम है। ओके भाई, तो सीन ऐसा वर्कआउट यहीं तक था, आज टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया क्योंकि ऑब्वियसली वो सारा जो रील बनानी थी उसके लिए जो शॉर्ट्स लेने होते हैं, तो इन्फॉर्मेटिव जो रील रहती है उसमें मेन दिक्कत हो जाती है, दिक्कत भी क्या मतलब कि वो अगर बना रहे हैं तो इसी पर्पज़ से ही बनाएंगे, तो उसमें हमें अलग अलग एंगल शूट करने होते हैं, चाहे वो एक तरीके से हर एक डिटेल कोशिश करते हैं कि उसके बी रोल्स रहें हमारे पास जो भी हम उसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि दिक्कत ना हो समझने में किसी को भी, तो ये चीज़ भी है। अभी जैसे जैसे शेप में आते रहेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से इस जर्नी में हमने बहुत कुछ शेयर किया है, अगर तुम डे ज़ीरो से देख लोगे, मेरे ख्याल से अगर तुम डे ज़ीरो से लेके आज तक की वीडियो का अगर सिर्फ तुम किचन टॉक्स का पार्ट देखोगे, तुम्हें भाई मेरे ख्याल से तुम्हारी कोई भी जर्नी हो, स्पेशली फैट लॉस हो या बॉडी रिकम्पोजिशन हो, उससे रिलेटेड शायद हमने हर एक सवाल कवर किया होगा, इवन वो किया होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब कि हमें प्राउड फील कराती कि नहीं ये तुम खुद के लिए अच्छा कर रहे हो, और एटलीस्ट तुम छिन रहे ही नहीं कर रहे, मतलब होती है वो भी होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कुछ ऐसा बना रहा है जो लोगों को थोड़ा सा हेल्प करता है, वो चीज़ ज़रूरी है। तो बस भाई यहीं तक रखते हैं वर्कआउट, और तुम्हें कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना, तो उसको वर्कआउट में या फिर किचन टॉक्स में कवर करेंगे, तो मिलते हैं तुमसे।